और दोस्तों ये देखिए हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हमने तेल डाल के रख दिया है। अब हम चल रहे हैं आज तुरई की सब्जी बनाने। हमारे यहाँ तो वैसे नेनुआ बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में तुरई भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम बारीक लहसुन की कलियाँ काट ले रहे हैं ऐसे, और ये मिर्चा, हरा मिर्चा हमने काट के रख दिया है। ऐसे ही सारी कलियाँ काट देंगे। ये मैंने एक छोटा सा प्याज काट लिया है। ये हमने जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और मिर्चा डाल देंगे। ये हमने तुरई और आलू काट के रख लिए हैं और इसे धो के साफ कर दिए हैं। भून लेंगे और हल्का गुदाबी होने तक चलाते रहेंगे। अब इसमें हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। ने दिया है इसे जलने ना पाए और इसी तरह से हो जाए, भून जाए, बस ऐसे ही। ज़्यादा जल जाता है तो उसकी जलन की खुशबू आते हैं लगती है सब्ज़ी में। बस ऐसे डाल देंगे हम इसको सब्जियों को। ऐसे ही सारे सब्जी को डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। ये देखिए ये सब्जी काटते समय अंदर ही रह गए थे, हमें दिखाई नहीं दिया। अब इसको हम काट दे रहे हैं। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख देंगे। टाइम अब इसे हम ढक्कन हटा के ज़रा देखते हैं। इसे अच्छे से फिर से चला लेंगे।
अब हम इसमें एक पैकेट एवरेस्ट मसाला डाल देंगे। इसमें हम मिर्च पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। ये तुरई है, नमक पड़ने पर वैसे ही पानी छोड़ देता है। और हम मसालेदार बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे। अभी आप देखिएगा, देखिए हमारी तुरई पानी छोड़ने लगी है थोड़ा थोड़ा। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ढक के रख देंगे। अब 2 मिनट हो गया है, अब हम इसे देखिए दोस्तों, यह हमारी तुरई पानी छोड़ दी है। अब इसे हम अच्छे तरह से फिर से चला देंगे। ये मैं तुरई की सब बनाने जा रही हूँ, इसके सब्जी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, अब क्योंकि ये पानी खुद ही छोड़ता है, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। इसे ढक के रख देते हैं पकने के लिए। तरह से चला लेंगे। अब देखिए तुरई कैसे पानी भी छोड़ दिया है, और अब इसे थोड़ी देर और पकने दे रहे हैं। आलू हमारा पक ही गया है, थोड़ी देर तक और। अब देखिए सब्जी तेल छोड़ने लगी है, दिखाई दे रहा होगा ये, अभी थोड़ी देर तक और चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब गैस हम ऑफ कर देते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे तुरई की सब्ज़ी मसालेदार बनके तैयार हो गई है। और आप भी बनाइएगा, कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।